Uh, in this module, we will discuss manufacturing competitiveness and MPC framework. What does MPC stands for? It is a manufacturing planning and control system. This system is concerned with planning and control of manufacturing all aspects of manufacturing, uh, which includes uh, material management, scheduling of labor and machines as well as coordination with suppliers and customers. So all these aspects of uh, manufacturing are taken care of in MPC system. Now uh, over the period MPC system has been influenced by uh, different factors. One is basically uh, international uh, context for mpc, the role of customer, which has evolved over the period, as well as the role of it, which has also developed uh, much more than it was, let's say, in 70s and 80s. so all these aspects have uh, changed mpc accordingly. Uh, for example, if we look at uh, international context uh, the increase in breadth and depth of uh, internationalization of manufacturing has been tremendous uh, in 60s and 70s the manufacturing used to take place where the market was for example uh, an american company us company who is uh, selling the product uh, in united states would produce that product in united states but now it has changed the companies are moving towards cheaper uh, source of labor for example uh, asian countries developing countries uh, most of the mobile phones are being produced in china whereas the companies are based in united states uh, korea

दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से हमारे ये एम uh, पी सिस्टम पे चेंजेस आई हैं, डेट इज कॉल्ड प्लग कंपैटिबिलिटी। व्हाट इज प्लग कंपैटिबिलिटी? बेसिकली प्लग कंपैटिबिलिटी इज समथिंग लाइक इफ यू परचेज गेम कॉन्स्यूल एंड यू ब्रिंग इट एट होम तो आप क्या करेंगे आप उसको प्लग करेंगे एंड यू विल स्टार्ट प्लेइंग गेम्स आपके फ्रेंड्स आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि आप उधर आ जाए और सब मिलकर उधर गेम खेलेंगे उनको पता चलता है कि आप नया कॉन्सोल लेकर आए या दे वॉन्ट टू प्ले ऑल्सो सो आप उस कॉन्सोल को उधर ले जाएंगे उधर प्लग करेंगे यू विल स्टार्ट प्लेंग गेम्स सो इट इज नॉट स्पेसिफिक टू वन एरिया इसी तरह प्लग कंपेटेबिलिटी मैन्यूफेक्चरिंग के अंदर भी कॉन्सेप्ट है उसके अंदर यह है कि कंपनी को डिमांड के बेस के ऊपर उन्होंने मलेशिया के अंदर प्रोडक्शन शुरू की आउटसोर्स की लेकिन डिमांड का पैटर्न चेंज हुआ उन्होंने उसको शिफ्ट करके चाइना ले गए सो वट डज दैट मीन दैट मींस कि द कंपनी डज नॉट हैव टू कंस्ट्रक्ट अ फेसिलिटी इन वन पर्टिकुलर एरिया वट दे डू इज आउटसोर्स करते हैं और उस आउटसोर्सिंग वो फ्रीक्वेंटली उसको चेंज भी कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 2014 के वर्ल्ड कप के अंदर फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक जो जिस कंपनी को वर्ल्ड कप का कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो तीन कंट्रीज में गए पाकिस्तान इंडिया चाइना दे फाउंड आउट जी पाकिस्तान की कंपनी वो जल्दी सप्लाई करने के लिए तैयार है दैट वाज अ ह्यूज ऑर्डर अराउंड सिक्स मिलियन फुटबॉल्स वर टू बी प्रोड्यूस्ड तो पाकिस्तान कंपनी ने थ्री थर्टी थ्री डेज के अंदर वो प्रोड्यूस कर कर सप्लाई कर दिया ना प्लग कंपेटेबिलिटी के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर उन्होंने किया अब वो इसको शिफ्ट कर सकते हैं किसी और कंट्री में नेक्स्ट टाइम जब उनको ऑर्डर की जरूरत पेश आए सो so, ये जो इंटरनेशनलाइजेशन है इसकी वजह से एम जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस अब लेकर आए हैं और उसके अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली हुई है ये अब उस एमपीसी से जो नाइनटीन में थे उसके मुकाबले में अब ये चेंज होकर ये 2016 में इट हैज चेंज अ लॉट और इसके अंदर इसकी वजह से बहुत चेंजेस आई हैं